तो सामने एक भैया मिले हैं जो कि भाई राम फल बेच रहे हैं, जो श्री राम जी ने अपने वनवास के टाइम पे खाया था, तो आपको दिखा देते हैं। हाँ जी नमस्कार भैया। नमस्कार सर। ये कौन कौन से फल है जी? ये कौन सा फल है जी? ये राम फल है। अच्छा राम फल, जो जब राम जी वनवास गए थे उन्होंने खाया था, वही फल है क्या जी? हाँ, वही फल। अच्छा जी, इसका टेस्ट कैसा रहता है जी? टेस्ट मीठा रहता है। मीठा रहता है। कितने रुपए की प्लेट है? एक एक प्लेट 30 रुपए। एक प्लेट लगा दो हमारे लिए। इसके फायदे क्या है? ये कैल्शियम में काम आता है। ये कैल्शियम में काम आता है। हाँ। अच्छा जी, इसके अंदर तो बीज है जैसे अमरूद के अंदर होते हैं। हाँ, और खून भी बनाता है ये। अच्छा, खून के लिए भी अच्छा है। शुगर हो, थायराइड हो, के लिए भी बढ़िया है। शुगर थायराइड के लिए बहुत अच्छा फल है। हाँ। 10 रुपए की ये क्या डाला है इसके ऊपर? नारियल। अच्छा जी, और ये क्या डाला दूसरी चीज जी? ये काला नमक। काला नमक, ये देखो भाई अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको। ये वो फल है जो भाई श्री राम प्रभु जी ने भाई अपने वनवास के टाइम पे खाया था। चेक करके और बता दो फिर भाई साहब। अच्छा जी, ये प्लेट लग के आ चुकी है। अभी हमने अपने लिए वो प्लेट लगवाई है जो श्री राम प्रभु जी ने अपने वनवास के टाइम पे जो भड़काया था ना एक बार, ये देख लो आप। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको बता देते हैं। थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है, बिल्कुल चटपटे से टाइप में मीठा भी आ रहा है, खट्टा भी आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आ रहा है भाई।